केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए मखाना को मिथिला मखाना का जीआई टैग दिया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। पेश है एक रिपोर्ट। मिथिला की पहचान कई नामों से है, लेकिन इनमें से मखाने का अपना एक अलग स्थान है। विद्यापति की धरती मिथिलांचल के लोग लंबे समय से मखाने की जीआई टैगिंग की मांग कर रहे थे। आखिरकार मखाने को मिथिला मखाने के नाम से जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी अगर किसी उत्पाद पर यह मार्क लगा हुआ है तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना। सहरसा में भी किसानों ने मखाने को जीआई टैग मिलने पर खुशी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस इलाके में मखाने के उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे ये लोग अपने उत्पाद सीधे विदेशों तक भेज सकें। मखाना को खेती जो कर रहे हैं हम लोग सर, इसमें हम लोगों को ज़्यादा फायदा है, और इसका जो हम लोग माल तैयार करते हैं तो इसको हम अपने राज्य में भेजते हैं, फिर विदेश भी भेजते हैं। मेरा माल वहाँ तक भी जाता है, विदेश भी जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा जो हम लोगों को जो किसान को जो ये मखाना के बारे में जो लाभ दिया जा रहा है, वह जो लाभ हम लोगों को अगर मिल जाए तो हमारा ये फसल जो है वह दुगुना हो जाएगा इसका कीमत, और उसे हम और ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है, लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है, और इसकी सप्लाई देश विदेश सब जगह हो जाता है। मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए मशहूर है। भारत में 90% मखाने का उत्पादन यहीं से होता है। केंद्र से लेकर विदेश तक के बाजारों में इसकी मांग है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाने को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।